ऐसा ये अंधभक्ति वाली बात ना मेरे से जब कोई करता है तो उसकी फिर यही इमेज होती है कि वो गोदी पीट। 5 सालों में नहीं बना पाए वो? अरे 5 सालों में तो भाई आपकी गली है ये, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो खराब हुई है। पूरा राजस्थान पानी के लिए मर रहा है, कहाँ पानी ले आए? अच्छा पानी की बात, अब तो आप बिल्कुल अच्छी जगह पे आए हो। अब आपको बता दूं, मैं तो जरूर बनाऊंगा, मोदी जी बनाएंगे कि नहीं, पर जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पूरे देश के लिए ये याद है हमें, हम बोलना नहीं चाहते, बोल देंगे तो उनके फिर। देख रहे हैं और मैं हूं अमन, मौजूद हूं मैं भरतपुर यानी राजस्थान में, और हमारे साथ अंगद सिंह है। कि आप भरतपुर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दमितला को आप बहुत पुराने से पहले से जानते हैं? बिल्कुल, पुरानी पहचान है आपसे? बिल्कुल। तो सवालों से भी जान पहचान होगी? बिल्कुल, सवालों से तो जान रहता है। दमितला का सवाल एकदम खरा और सच्चा खड़ा रहता है? बिल्कुल। किसान आंदोलन में मिला आपको खड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? देखिए ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इनमें तो मेरा बयान कभी नहीं। तो आपने बोला ना कि खड़ा सवाल रहता है, तो खड़ा जवाब भी तो चाहिए ना मुझे। पर मैं ऑप्शन दो ही है, राहुल गांधी या पीएम मोदी, कौन चाहिए? जो किसान की बात करेगा, गरीब मजदूर की बात करेगा, जो हमारी हकों की बात करेगा, हम तो उसके साथ। तो कौन है जो गरीब मजदूर की बात कर रहा है, किसानों की बात करता है? ये तो जनता को करना है फैसला। आप जनता में नहीं है क्या? अभी मेरे पास है कौन? मेरे पास ये आप है कौन? मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक बालक हूँ जो पढ़ाई करता है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, बच्चा कहाँ से? बात करने में और वोट डालने में बहुत फर्क है। क्या लगता है आपको माहौल आपके भरतपुर का क्या है? भरतपुर का माहौल ये है कि भरतपुर में अभी जो ज्यादातर मांग हो रही है वो जाट विधायक की हो रही है, क्योंकि 80,000 वोट है जाटों का, और 52 साल से सबको एक बार एक एक बार मौका मिला और जाट को पर एक बार भी नहीं मिला। तो ये अभी आपके हिसाब से भरतपुर में जातिवाद होना चाहिए? नहीं, जातिवाद नहीं, सबको एक बार मौका मिला है सारे। मैं तो ये कहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक जाटों की बैठक करी थी, जिसमें जाट एक बैठक थी, उसमें ब्राह्मण सभी लोग आए थे, 36 कौमें हैं साथ में। अब की बार भरतपुर पूरा जो 36 कौमें हैं भरतपुर में जितने भी हैं, सबका यही मांग है, किसी से भी आप पूछ लो भले ही। सवाल ये कि अच्छा इंसान क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? आप लोग जातिवाद में क्यों फंसते हैं? जातिवाद नहीं, हम ये कह रहे हैं जो अच्छी बात करेगा अच्छे से, जो गरीबों की हमेशा बात सुनेगा और जाट हो। 2024 का बताइए, सवाल से पलट गए आप? सवाल से पलटे नहीं है मैंने। दो ऑप्शन है, मोदी जी चाहिए राहुल चाहिए? देखिए मोदी जी के अभी तक जैसे कार्य रहे हैं उन हिसाब से तो मोदी जी नहीं लगते हैं, पर अगर मोदी जी अगर अपने कार्यों को सही करें तो फिर हम मोदी जी को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पर अभी के लिए राहुल गांधी जी। और अभी के लिए राहुल गांधी जी? हाँ जी। गांधी को पप्पू बोलती है? मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोलती। नहीं जनता नहीं बोलती, अंधभक्त बोलते हैं। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त वो है जो अंधे हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी को लोग पप्पू क्यों ना बोले? वो आटा को लीटर में तौल देते, सुना आपने? आटा लीटर में बिकते हुए। देखिए वो आईटी सेल है, वो तो एडिटिंग करती है। भैया रामलीला मैदान दिल्ली में उन्होंने बोला था, मैं वहीं पे था। सुनो आप राहुल गांधी जी की कह रहे हैं, जरा अमित शाह जी के सुन के देखिए कभी वीडियो, वो तो कितना कुछ कह देते हैं। कुछ नहीं कहा, अगर, क्या कहा? रहने दो, आपको कुछ याद है? बहुत कुछ याद है हमें, हम बोलना नहीं चाहते, बोल देंगे तो उनके फिर अंधभक्त बोलते हैं और आईटी सेल फैलाती है उसको। आप भी कांग्रेस के अंधभक्त? देखिए कांग्रेस के अंधभक्त मैंने नहीं कहा, मैंने आपने कैसे सवाल उठा दिया अमित शाह जी पे? अमित शाह जी गलत बोलते हैं कितनी तो क्या बोला गलत? उन्होंने कितनी बार बोला जैसे राहुल गांधी जी पे सवाल उठाए हैं ना वैसे बोलते हैं, वो इतनी चीजें बोलते हैं याद कैसे रखी जाए? वही अमित शाह जी बोलते हैं कि दूरबीन लेके ढूंढने से भी कांग्रेस नहीं मिलेगी, कहने की बातें। और मैं तो कांग्रेस का भी ना सपोर्ट कर रहा ना बीजेपी का, मैं तो बस इतना सपोर्ट कर रहा हूँ जो हमारी बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा अभी आपके प्रदेश में भी इलेक्शन आ रहा है, मालूम है? बिल्कुल मालूम है। इसको जिता रहे आप लोग? देखिए अशोक गहलोत जी ने अच्छे काम करे हैं, और मैं तो अगर अशोक गहलोत जी या फिर कोई भी सुने तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी की अब नरेंद्र मोदी जी वो 2 योजना बनाए या ना बनाए, अगर जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो उन 2 योजनाओं को जरूर बनाऊंगा, जिसमें चिरंजीवी योजना और ओल्ड पेंशन योजना मैं तो जरूर बनाऊंगा, मोदी जी बनाएंगे कि नहीं, पर जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पूरे देश के लिए ये योजना बनाऊंगा। आप बोल रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी मैं बोल रहे हैं मैं बनूंगा, आपके जैसी एक लड़की है संदीपनी मिश्रा, जानते हैं? नहीं मैं वो बोलती है मैं बनूंगी, और तीनों की विचारधारा सेम है। अच्छी बात है ना कि आप कि तीन देश बनाइएगा, क्या एक देश में एक ही प्रधानमंत्री? जरूरी नहीं है, जैसा जनता फैसला करेगी हम तो वैसे जाएंगे। अच्छा है बच्चों में भी ये सोच जग रही है, मैं खुश हूँ। तो बच्चों में ये क्रेज क्यों आ रहा है कि सबको प्रधानमंत्री बनना है? अच्छी बात है ना, अब जरा कोई डॉक्टर और इंजीनियर से छोड़ के अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का ही नाम रोशन होगा, कि भाई उस देश के ऐसे बच्चे सबको
प्रधानमंत्री बनना कितनी ऊंची सोच जाती है। आपको लगता है कि आप सब पूरे देश के लोगों को खुश कर लेंगे? आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा? आपको नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं करेगा? मेरे से गलती होगी मैं मानता हूँ, और वो मेरे विरोध भी करेंगे। मैंने कई इंटरव्यू में बोला विरोध करोगे, पर ये जो वीडियो है ना हमेशा रहेगी। अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो मैं उस टाइम माफी भी मांगूंगा। आपको क्यों नहीं, ऐसी बेशर्मी नहीं करूंगा कि जब 750 किसान शहीद हो गए और अभी तक मौन नहीं रखा गया। इलेक्शन को 6 महीने भी नहीं बचे, 4 महीने बचे तो मोबाइल दे रहे हैं, वो सिलेंडर सस्ता कर दिया, वो तो इलेक्शन के लिए कर ले। कौन सी योजना ला? अरे इलेक्शन से जब बहुत टाइम था तब से योजनाएं आ रही है। पूरा राजस्थान पानी के लिए मर रहा है, कहाँ पानी ले आया? अच्छा पानी की बात, अब तो आप बिल्कुल अच्छी जगह पे आए। अब आपको बताता हूँ मैं, ERCP एक योजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो पूर्वी राजस्थान है ना उसके 13 जिले और 3 करोड़ लोग हैं, उसके लिए कि पानी की योजना है। मोदी जी आए थे राजस्थान में और वादा करके गए थे कि मैं ये योजना लाऊंगा, और ये योजना को लाया नहीं गया है। और अगर ये योजना आती है तो 13 जिलों के जो लोग हैं पूरे खुशहाल हो जाएंगे, जिसमें भरतपुर भी आता है। और गजेंद्र शेखावत जी भरतपुर के लोगों को जो बेपेंदे का लोटा बोलते हैं ना, उनको भी तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ये काले झंडे कितने दिख रहे हैं। मजा आ रहा होगा गजेंद्र जी आपको? आपने अशोक गहलोत को सही माना है, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी उनका काम लाइव दिखाया आपको? हाँ दिखा, क्यों नहीं काम दिखाया? हाँ दिखाया। थोड़ा सा हट जाइएगा इधर से, हट जाइए इधर से जरा, अरे पूरा साइड हो जाइए, आपकी गली है ना, थोड़ा साइड हो जाइए, कैमरा से पूरा दिखना चाहिए। आपकी गली है ना, देखिए आपकी गली टूटी फूटी पड़ी हुई है। काम चल रहा है। इलेक्शन आने वाला है तो काम चल रहा है, उससे पहले से ही काम चल रहा है। बना ही नहीं, 1-2 किलोमीटर का रास्ता नहीं। सुनो तो सही, पीछे जो गली है ना उधर थोड़ी दिक्कत थी, तो उधर से बनता हुआ आ रहा, उधर की रोड एकदम सही। ये कब बस आया जगह? इसको तो बहुत टाइम हो गया और रोड ठीक 5 सालों में नहीं बना पाए वो। अरे 5 सालों में तो भाई आपकी गली है ये, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो खराब हुई है। कहाँ दिख रहा है वो थोड़े टाइम पहले का खराब हुआ? अरे आप फिर देखो वही बात कर दी, वही बात क्या बात कर दी? लाइव दिखाया आपको मोदी जी वाली बात, एकदम लाइव दिखाया, लाइव दिखा। पीछे आप देख के आइए ना कितना काम हो रहा है। गोदी मीडिया, क्या गोदी मीडिया, लाइव दिखा दिया तो गोदी मीडिया। अच्छा आपने अभी बखान कर दिया है अशोक गहलोत का, हमने लाइव आपको प्रूफ दिखा दिया तो गोदी मीडिया। हम भी तो एक जवाब दे रहे हैं ना, क्या गोदी मीडिया? गोदी मीडिया ये कैसे? जब हम जवाब दे रहे हैं आप तो कहीं और बात। अरे कैसे दिखाऊं, ये देखिए टूटा हुआ रास्ता, ये टूटा हुआ रास्ता सही होगा ना? बखान तब कीजिए जब आपका काम हुआ, आपकी खुली गुद गली सही नहीं है, क्या बखान करेंगे? काम जब चालू है सर, जब 5 साल से नहीं हुआ। अरे तो अभी खराब हुआ है ना, आप देखिए जो मेन रोड है यहाँ की, जिधर महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति है उधर भी रोड चल रहा है, सीवरेज की लाइन आ रही है, इतना कुछ कार्य चल रहा है और पीछे से रोड सही होती आ रही है। आधा राजस्थान में घुमा हूँ, सबको पानी की दिक्कत है, 5 सालों में उनसे ये नहीं हो पाया अशोक गहलोत जी? तो अशोक गहलोत जी थोड़ी ना करेंगे, केंद्र सरकार की योजना है ERCP, जिधर पानी की दिक्कत थी उनके लिए ये योजना थी ERCP, पर ये योजना नहीं आई गई। और एक और बात बोलूं, भरतपुर और धौलपुर ये 2 जिले हैं राजस्थान के, भरतपुर के सभी जिलों सॉरी राजस्थान के सभी जिलों को आरक्षण मिला, तो इन 2 जिलों को जाट आरक्षण क्यों नहीं मिला? राजस्थान में बीजेपी आ रही है सुना, अमित शाह जी कह रहे हैं। अरे अमित शाह जी तो बहुत कुछ कहते हैं, चाणक्य है वो, चाणक्य तो बोल देते हैं, हो जाता है, देखते हैं क्या होगा, वक्त आने पे सब पता लगेगा उनके कहने से क्या होता है। अरे जो बोला उन्होंने वो सच हुआ, ऐसा ये अंधभक्ति वाली बात ना, मेरे से जब कोई करता है तो उसकी फिर यही इमेज होती है कि वो गोदी मीडिया है। हम लोग गोदी मीडिया करना, आपके तरीके से नहीं चले, आपके हाँ में हाँ नहीं मिला है तो गोदी मीडिया। कर्नाटका और पंजाब में भी उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी आ रही है, वहाँ पे क्या हुआ आप बताइए। अरे कर्नाटक पंजाब को छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश को देखिए, अरे अभी आपके बगल में। अब उत्तर प्रदेश की बात कहाँ से आ गई, अब आप बात मत टालिए। उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ योगी जी गुंडे जो लोग हैं उनको कम कर रहे हैं, पर वो भी इतना विकास नहीं कर पा रहे हैं, जो मेन जो वहाँ का धरातल है ना वो भी उनसे परेशान ही है। पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा जब लोग सही नहीं करेंगे काम। अरे आपके पिताजी डॉक्टर है, डॉक्टर बनिए ना, कहाँ राजनीति में पढ़। अरे फिर वही बात, डॉक्टर नहीं है वो, PhD वाले। अच्छा, PhD वाले ना, तब भी PhD करिए, कहाँ राजनीति में पढ़ रहे हैं। PhD वगैरह ये सब तो करेंगे ही, पर PM तो बनेंगे ही, PM तो बनना है कि जिससे देश का विकास हो, से लोग रहेंगे तो पूरे राजनीति खराब ही होगी, जब तक कोई अच्छा बंदा नहीं जाएगा तो राजनीति सही कैसे होगी। 2024 में किसका कैंपेन? जो हमारी बात करेगा। कौन है आपकी बात करने वाला? देखेंगे अभी तो टाइम नहीं, नहीं सीधे सीधे जवाब, अभी तो कोई नहीं, घुमा के नहीं, जनता फैसला करेगी यहाँ पे। बहुत सीधा सवाल किया आपसे, 2024 में किसका कैंपेन करेंगे? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, हमें जवाब दीजिए। पढ़ाई करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? हम पढ़ाई करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में किया है? करा है। यहाँ क्यों नहीं? देखेंगे, अभी इतनी जल्दी बातें बताई नहीं जाती, थोड़ी अभी अभी बताइए।
अभी बता दूंगा तो फिर आप मेरे से मिलना आपका नहीं हो पाएगा। राजस्थान में किसके कैंपेन किसी का नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे गहलोत साहब अच्छा काम कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि मैं गहलोत साहब का करूं? मैंने नहीं कहा। अभी कहा ना? मैंने ये कहा, नाम लिया ना आपने? मैंने ये कहा गहलोत साहब। मैंने कहा डायरेक्ट बोला कि आप बाकी दुनिया लोगों के हाथ पे क्या करते हैं वो। इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? इनडायरेक्टली नहीं, मैंने इतना कहा कि गहलोत साहब अच्छा काम कर रहे हैं, जो जनता के हाथ में, अगर वो समझेगी तो वोट दे देगी, नहीं समझेगी तो ना। आप लोगों से पूछो इस सवाल को, वोट उनको देना है। आप उनसे पूछो कि आप किसको वोट दोगे, कौन आपकी नजर में अच्छा है। वो तो पूछ ही रहा हूँ और वक्त आगे तो और पूछेगा। पूछिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।